फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज हम अपने टेरेस गार्डन से अपने कुछ टमाटर हार्वेस्ट करेंगे, तो चलिए चलते हैं जहाँ पे हमारे टमाटर बहुत सारे लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे कुछ विंटर के फ्लावर्स हैं जो बहुत अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं, तो काफ़ी दिनों से पक गए हैं काफ़ी सारे टमाटर, तो मैंने सोचा उनको तोड़ लूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे वो। और यहाँ देखिए कितने अच्छे ब्लूम्स हो रहे हैं गार्डन में, डहेलिया बहुत अच्छे से खिल रहे हैं और सारे ही फ्लावर बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे टमाटर हैं जो बहुत सारे लगे हुए हैं, तो हम रखते हैं बास्केट को यहाँ पर। और ये देखिए कितने बिग साइज़ के टमाटर हैं बिल्कुल, और एकदम फ्रेश ऑर्गेनिक। मैंने इनमें सिर्फ अपने किचन वेस्ट कंपोस्ट का यूज किया था और कुछ भी नहीं डाला था। ये देखिए ये कितना बड़ा सा हो गया है। और ये देखिए काफ़ी सारे लगे हुए हैं, और इनमें मैंने स्टेकिंग लगाई थी लेकिन इतना ज़्यादा इनका वेट हो गया, पूरे ज़मीन में गिर गए हैं प्लांट इनके। देखिए एक प्लांट से हमने इतने टमाटर निकाले हैं और अभी बहुत सारे इसमें लगे हुए हैं। और यहाँ पर भी और ये वाली ब्रांच देखिए पूरी ज़मीन में रख गई है, बहुत ज़्यादा वेट हो गया है इसका, पूरी ब्रांच भरी हुई है टमाटर से। और देखिए यहाँ पर कितने छोटे छोटे से भी आ रहे हैं, ये देखिए बहुत छोटे छोटे से, तो जो रेड कलर के हैं मैं उन्हीं को निकालूंगी। ये देखिए ये जमीन में ज़्यादा दिन तक टच रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए हम इसको सबको तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए इस प्लांट में मेरे बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं और इनको हम सभी को तोड़ लेते हैं। देखिए हमारी बास्केट पूरी भर गई है। और अभी इनमें और भी फ्रूटिंग होती रहेगी, तो मैंने तो शुरू में कंपोस्ट बस दिया था, किचन वेस्ट कंपोस्ट जब मैंने इन प्लांट को लगाया था, छोटे छोटे से प्लांट थे, और उसके बाद मैंने अभी कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया है, इनको सिर्फ पानी बस देती हूँ। तो आप अगर खाद लगातार डालते रहेंगे, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर मस्टर्ड के लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं आप इसमें अपने टमाटर और बैंगन के प्लांट में, इतने ज़्यादा। देखिए यहाँ पर भी, और मेरे कुछ पपीते के प्लांट हैं उनमें भी ग्रो हुए हैं, देखिए कितनी सारी फ्रूटिंग उनमें भी हुई है। तो हमने यहाँ पे सारे टमाटर अपने निकाल लिए जो रेड हो चुके थे। ये देखिए थोड़ा कम पका है। तो ये देखिए हमारी बास्केट पूरी भर गई है और काफ़ी सारे लगभग 2 किलो से ज़्यादा टमाटर होंगे, ये देखिए। तो आप भी इस तरह से किचन गार्डन बना सकते हैं और वहाँ पे टमाटर और बैंगन के प्लांट लगा सकते हैं, मिर्च के लगा सकते हैं। मेरे गार्डन में मिर्च भी बहुत सारी फली हुई है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर मिर्चें भी बहुत सारी लगी हुई है। तो ये हमारे ऑर्गेनिक फ्रेश टमाटर बिल्कुल घर से निकले हुए। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।